पेट्रोल गाड़ी है ये। मैक्सिमम पावर की बात करें दैट इज़ 48 BHP एट द रेट ऑफ 6000 RPM। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें दैट इज 69 Nm एट द रेट ऑफ 3500 RPM। टर्बो चार्जर टाइप इज नॉट एप्लीकेबल हियर, बट नंबर ऑफ गियर्स इसमें 5 हैं, यानी 5 गियर्स वाली गाड़ी है ये। आगे बात करते हैं इसके सस्पेंशंस, ब्रेक्स एंड स्टेयरिंग की। सस्पेंशन फ्रंट इज गैस फिल्ड MC-Pherson स्ट्रट टॉर्जन रोल कंट्रोल डिवाइस। एंड सस्पेंशन रियर की बात करें, यानी पिछले सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको कॉयल स्प्रिंग गैस फिल्ड शॉक एब्जॉर्बर विद 3-link रिजिड एक्सल एंड आइसोलेटेड ट्रेलिंग आर्म मिलेगा। आगे बात करते हैं फ्रंट ब्रेक टाइप की, दैट इज डिस्क। रियर ब्रेक टाइप इज ड्रम। मिनिमम टर्निंग रेडियस ऑफ दिस कार इज 4.6 meters, यानी मिनिमम टर्निंग रेडियस इस कार की है 4.6 meters। आगे बात करते हैं स्टीयरिंग टाइप की, दैट इज पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग। व्हील्स की बात करें दैट इज स्टील रिम्स, और स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टील मिलेगी। फ्रंट टायर्स और रियर टायर्स की जो मेजरमेंट है वो है 145/80 R12। सो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं इसके फीचर्स की। इन द सेफ्टी फीचर यहाँ पे आपको स्पेशल कुछ नहीं मिलना, एयरबैग्स, डुअल स्टेज एयरबैग्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। ब्रेकिंग ट्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ पे भी आपको स्पेशल कुछ नहीं मिलना, और यहाँ पे ना एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेंगी। लॉक्स एंड सिक्योरिटी की बात करें तो इंजन इमोबिलाइजर है इसमें, सेंट्रल लॉकिंग है इसमें, एंड चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें तो एयर कंडीशनर यहाँ पे मैनुअल है, 12V पावर आउटलेट्स है इसमें, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे टेलीस्कोपिक है, एंटी ग्लेयर मिरर्स यहाँ पे मैनुअल इंटरनल ओनली है, हीटर यहाँ पे अवेलेबल है। बात करते हैं सीट अपहोल्स्ट्री की, तो सीट अपहोल्स्ट्री इसकी फैब्रिक है, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट इसका मैनुअल है, हेडरेस्ट यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों के लिए हैं, फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट इसका मैनुअल है, रियर पैसेंजर सीट्स इसमें बेंच है दी गई है। एंड इंटीरियर्स की बात करें तो ये आपको डुअल टोन का मिलेगा। इंटीरियर कलर्स की बात करें दैट इज़ डार्क ग्रे। एंड यहाँ पे बात करते हैं फ्रंट सीट पॉकेट्स की, तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको अवेलेबल है। आगे बात करते हैं स्टोरेज की। इन द स्टोरेज सेक्शन कप होल्डर्स यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों के लिए दिए गए हैं। डोर्स, विंडोज़, मिरर्स एंड वाइपर्स की बात करें तो यहाँ पे पावर विंडोज़ फ्रंट के लिए दी गई हैं केवल। ORVM यानी आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, ये आपको ब्लैक मिलेंगी एंड इंटरनली एडजस्टेबल हैं। आगे बात करते हैं इसके एक्सटीरियर डोर हैंडल्स की, तो यहाँ पे बॉडी कलर्ड है। इंटीरियर डोर हैंडल्स यहाँ पे पेंटेड मिलेगा। डोर पॉकेट्स यहाँ पे फ्रंट के लिए केवल दी गई हैं। बूट लिड ओपनर इसमें इंटरनल है। एक्सटीरियर सेक्शन में यहाँ पे केवल एक चीज़ मिलेगी, बॉडी कलर्ड बम्पर्स। आगे बात करते हैं इसके लाइटिंग सेक्शन की। हेड लैम्प्स एंड टेल लैम्प्स ये दोनों कन्वेंशनल दी गई हैं। एंड केबिन लैम्प्स यहाँ पे फ्रंट के लिए दी गई है। हेडलाइट हाइट एडजस्टर दी गई है। और बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें एनालॉग है। ट्रिप मीटर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर टू ट्रिप्स दी गई हैं। एंड क्लॉक यहाँ पे डिजिटल है। लो फ्यूल लेवल वार्निंग है इसमें। आगे बात कर लेते हैं इसके एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्शन की। इस सेक्शन में यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड इंडस म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है। हेड यूनिट साइज फॉर टू डिन। एंड डिस्प्ले यहाँ पे मिल रही है डिजिटल डिस्प्ले। डिस्प्ले स्क्रीन फॉर रियर पैसेंजर्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। GPS नेविगेशन सिस्टम भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। स्पीकर्स इसमें 2 हैं और USB कॉम्पैटिबिलिटीज हैं इसमें, और AUX कॉम्पैटिबिलिटी है। आगे बात करते हैं MP3 CD प्लेयर्स की, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको मिल रही हैं। एंड FM रेडियो है यहाँ पे। आगे बात करते हैं मैनुफैक्चर वारंटी की, तो 2 साल की वारंटी है एंड 40,000 kilometers तक की वारंटी देती है कार। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज न्यू मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 VXi 2018। सो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूं तब तक डायरेक्ट नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। और लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए, बाकी शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे। और भाई साहब, वीडियो पूरा देख के जाना। थैंक यू।
इंट्रो पास लगेगा कि नहीं। हम्म, चलो हटा दो।